सो रहे हो, जाग रहे हो, सोते को उठा लो। हुड्डा साहब क्या करना चाहिए, या तो मने मुख्यमंत्री बना दो या मेरे छोरे को बना दो, एक ही बात निकलेगी। सोते को उठा दो, मुंह से यही बात निकलेगी। और अगर कोई लोकसभा का चुनाव आ जाए, उनसे पूछो क्या करना चाहिए, या तो मने लड़वा दो या मेरे छोरे ने लड़वा दो। राज्यसभा का भी चुनाव हक बढ़ता था शैलजा कुमारी का, क्योंकि उससे सीट खाली थी, उसको मिलनी थी, नहीं तो रणदीप सुरजेवाला को बढ़ा देते, किरण चौधरी को बढ़ा देते, अशोक तंवर को बढ़ा देते। चलो अशोक तंवर तो उनको छोड़ गए थे, अब हमारे साथ आ गए। आप ये देखो कि अपने और अपने परिवार के अलावा जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां देश के अंदर मोदी जी ने अपने परिवार, सिर्फ अपने देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार माना। उसी तरह मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा वालों को, 3 करोड़ हरियाणवियों को अपना परिवार माना। ये पूरे देश में एक उदाहरण है। मैं सैकड़ों काम ऐसे गिना सकता हूं, घंटों में इसके ऊपर बोल सकता हूं कि मोदी जी ने सेंटर के अंदर क्या किया और स्टेट के अंदर क्या किया, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, आपके साथ मनोहर जी मैं कुछ कमी में बोल सकता हूंगा, कोई और साथी मेरा कमी में बोल सकता होगा, बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता नाराज होकर बोल सकता होगा कि मेरे छोरे की नौकरी लगाई, लेकिन आपके साथ ऐसे लाखों परिवारों की जो गरीब थे, मजदूरी करते थे, खेत में मजदूरी करते थे, सड़क में मजदूरी करते थे, रेड़ी लगाते थे, चाय का खोखा चलाते थे, उनके बच्चे जब पढ़ लिख के आपकी पॉलिसी के कारण, आपकी मेरिट वाली पॉलिसी के कारण, भाई गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर बच्चा लायक है तो पहला हक उसका बढ़ता है। आपने जो लाखों बच्चों को, बेटियों को नौकरी दी है, ईमानदारी से नौकरी दी है, ऐसे लाखों परिवारों की दुआएं आपके साथ हैं। आपको तो यश मिलना ही मिलना है, आपको इतना यश मिलना है आपके उसके नजदीक कोई नहीं आ सकता। चौधरी भजन लाल रहे हो, चौधरी देवी लाल रहे हो, चौधरी बंसी लाल रहे हो, सबने हरियाणा को अपने तरीके से बढ़ाया, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, उन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपना काम किया, बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, उनकी शान में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फैसलों के अंदर क्षेत्रवाद, कहीं ना कहीं परिवारवाद, कहीं ना कहीं अपने पराये की बात जरूर आती थी। लेकिन मनोहर लाल जी आपको सदियों तक याद किया जाएगा, आपने एक हरियाणा की नई तस्वीर दिखाई है कि आपने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं किया, चाहे आपके परिवार के लोग नाराज रहे हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहे हो, लेकिन आपने शुद्ध आत्मा से, इतने संत प्रवृत्ति के व्यक्ति आज हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। अभी मैं इंद्री में सुन रहा था, माफी चाहूंगा मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, इंद्री में कार्यकर्ता बीच में से उठ के खड़ा हो गया, भावनात्मक हो गया, और वो क्या बोले, कहने लगे कि मनोहर जी आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री बनोगे। ये उस कार्यकर्ता की भावना थी। आप मोदी जी के बिल्कुल राइट हैंड बन के इस देश के लिए काम करोगे, हमारी शुभकामना भी है और हमारी भविष्यवाणी है। अगर हम सब आज सहमत है कि ये चुनाव मनोहर लाल जी का नहीं है, ये चुनाव हमारा है। कई बार कहते हैं कि फलाना नेता चुनाव लड़ रहा है, उसका बेटा वोट मांगने के लिए चला गया, उसकी घरवाली वोट मांगने के लिए चली गई। भाई मनोहर जी का तो कोई ना बेटा ना घरवाली कोई है क्या, कोई नहीं है। हम कौन है, हम आपके भाई बहन है। अगर आप सहमत हो कि हम सब मनोहर जी के भाई बहन बनके एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर तक हम जाएंगे, अगर आत्मा से आप करते हो तो भाई संकल्प करियो। कोई ऐसे देखने के लिए आया हो, तमाशा देखने के लिए आया हो, घूमते फिरते या रौनक मेला देखने के लिए आया हो, भाई नारा मत लगाइयो, सीधा कह रहा हूं। लेकिन जो ये कहता है मैं भाई बनके मनोहर लाल जी का बहन बनके घर घर जाके वोट मांगूंगी, तो भाई आत्मा से भारत माता की जय करके संकल्प करना है, और संकल्प दो हाथों से, जो एक खाएगा तो मने लगेगा वो 50-50 है, वो डावा डोल है, एक हाथ आला, दो हाथ आला, 100% भाई और बहन बनके एक एक घर में वोट मांगूंगा। मैं नारा लगाऊंगा, मैं पीछे तक देख रहा हूं, सिक्योरिटी वाले भाई बैठ जा, भाई तू भी दुखी ना कर हमारे साथी ने, बैठ जा आराम से, कर भाई करो भाई, मैं बोलूंगा मेरे से तेज आवाज होनी चाहिए भाई, जिसने संकल्प नहीं करना हाथ मत उठाएगा भाई, झूठा संकल्प कोई ना करे। भारत माता की, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।